तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका पोलेट्री फार्मिंग के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग। दोस्तों यदि आप देसी मुर्गी पालन अंडों के लिए करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों है? सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद में आपको बताते हैं कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये जो छोटी सी क्लिप यानी कि छोटा सा वीडियो आपने कुछ सेकंड का आपने देखा, ये जो फार्म है ये एक मास्टर साहब का फार्म है। इन्होंने अंडों के लिए लगभग 2000 के आसपास मुर्गा मुर्गी डाली थी, उसमें से इन्होंने कुछ मुर्गे बेच दिए थे और मुर्गा मुर्गी इस समय जो है 1500 या 1600 के आसपास इनके पास थी, जिसमें लगभग 1000 मुर्गियां या इससे भी प्लस 1000 प्लस मुर्गियां इसमें थीं। लेकिन ये सही से अंडे मुर्गियों से नहीं ले पाए और अंडे जो हो रहे थे उनको टाइम से बेच नहीं पाए, इसी वजह से इन्होंने इस फार्म को बंद कर दिया यानी कि सारी मुर्गियों को बेच दिया। तो क्या फ़ायदा आप देसी मुर्गी के छोटे बच्चे लेकर के आएँ, उन्हें 5 महीने 6 महीने 7 महीने या 8 महीने पालें और उनसे आपको कोई भी प्रॉफिट ना मिले बल्कि आप लॉस में जाएं, तो आपका इस व्यवसाय का करने का क्या फ़ायदा? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस व्यवसाय से या इतनी मुर्गियां पाल करके आप प्रॉफिट नहीं उठा सकते हो, 100% उठा सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जानकारी। जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी, आप चाहे 100 मुर्गियां डालें, 1000 मुर्गियां डालें, 10000 मुर्गियां डालें, आप देसी मुर्गी हो या कोई भी मुर्गी हो, आप उससे प्रॉफिट नहीं उठा सकते हो। क्यों नहीं उठा सकते हो पूरा हम इस वीडियो में बताएंगे, आपको विधिवत समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसीलिए हमने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है यदि आप देसी मुर्गी पालन अंडों के लिए करना चाहते हो। तो कैसे आपको करना है, क्या तरीका है, क्या कमी रही जिसकी वजह से इन मास्टर साहब का फार्म बंद हो गया, इन्होंने सारी मुर्गियां बेच दी, क्यों नहीं इनको अंडे मिल रहे थे इतने ज़्यादा और दूसरी चीज़ ये अंडे क्यों नहीं बेच पा रहे थे, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए बिना स्किप करे ऐसा नहीं करना कि आप वीडियो को छोड़ छोड़ के देख लें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा वीडियो को छोड़ छोड़ के ना देख करके, बल्कि पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा यदि आपको अच्छी जानकारी चाहिए। तो चैनल पर नए आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जरा सी भी जानकारी आपको पसंद आती है तो एक वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हम कुछ वीडियो पहले देखते हैं यूट्यूब पर जिस पर कुछ ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं कि 1000 मुर्गी से इतने रुपए कमाई, इतने रुपए कमाई, इस तरह के वीडियो जो हैं यूट्यूब पर या कई प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं जिनसे जिनमें ज़्यादातर प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है कि इतनी मुर्गियां हम पाल रखी हैं और इनसे हम इतने 1000 रुपए हम महीने में साल में कमा रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे आपको मिलेंगे जिन पर आपको मिलियंस में व्यूज होंगे, मिलियंस मतलब लाखों में व्यूज होंगे, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख ऐसे व्यूज होंगे। लेकिन उस वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको ये व्यवसाय किस तरह से करना है। उस तरह के वीडियो जो है यूट्यूब पर या कहीं पर भी बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो लगभग ऐसा ही हुआ इन मास्टर साहब के साथ में। इन्होंने भी कुछ वीडियो यूट्यूब के देखे कि फलाने मास्टर साहब हैं जो कि वो इतना व्यवसाय कर रहे हैं, इतने रुपए देसी मुर्गी के अंडों को बेच करके कमा रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो भी हमारे उम्मीद से इन्होंने देखे और इन्हीं वीडियो को देख करके इन्होंने एक पोल्ट्री फार्म खोला, सोचा कि हम भी इस तरह से पैसा कमाएंगे। इधर तो आपका सैलरी आ ही रहा है, स्कूल में टीचर हुए पढ़ा रहे हैं, बढ़िया सैलरी आ रही है, तो क्यों ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम इधर मुर्गी पालन से भी किया जाए।
तो इस तरह इन्होंने किया, लेकिन इनका सिस्टम जो है वो लगभग फेल रहा। और इनके पास से मैं कुछ अंडे लेकर के आता था हैचिंग के लिए, तो इनसे हमारी मुलाकात भी हुई। हमारे यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, इनका मात्र 12-15 किलोमीटर के आसपास इनका फार्म था, वहाँ से मैं अंडे लेकर के आया था। और इनको थोड़ी बहुत जानकारी भी हमने दी थी कि आप जो ये आप कर रहे हो, आपकी व्यवस्था जो है कम सही है, इसकी व्यवस्था को संभालिए, इसके फीड को आप संभालिए, जिसकी वजह से अंडे मुर्गियां कम दे रही थी और इनका जो अंडा है वो टाइम से सेल नहीं हो रहा था। तो हमने इनको 60 में जितनी हम जानकारी हो सकी हमने इनको दिया अपनी तरफ से, इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। तो मुझे लगा कि इनके पास पैसा बहुत है और ये अपना जैसा चाहे वैसे अपना व्यवसाय ये कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पैसा आपका काम में नहीं आता है। और अगर आपके पास सही नॉलेज देने वाला या आपके पास सही नॉलेज है नहीं, तो आपके पास सही नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सही नॉलेज आपको मिलेगा कहाँ पर, तो ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। बहुत सारे वीडियो YouTube पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अच्छी तरह से समझाते हैं, ठीक है, कैसे आपको करना है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा एक अच्छे नॉलेज के लिए, और इसी नॉलेज के लिए, ठीक है, नॉलेज जो है आपका इसे मुर्गी पालन का पूरा नॉलेज हमने अपनी PDF बुक में लिख रखा हुआ है। जो लोग खरीद के पढ़ लेते हैं उनको सारा नॉलेज हो जाता है। तो सबसे पहले हम PDF बुक का, जो हमारी PDF बुक है, उसका इंट्रो देख लेते हैं और उसके बारे में फिर हम आगे बात करते हैं कि कैसे आपको अंडों का व्यवसाय करना है। दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह PDF ईबुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस PDF ईबुक में आपको देसी मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस PDF ईबुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को एक दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला, उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया। इस PDF ईबुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, बॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह PDF ईबुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, पेटीएम या किसी अन्य UPI से 9236622383 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236622383 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए PDF लिखकर 9236622383 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो अभी जो है आपने PDF बुक का इंट्रो देखा, ठीक है, ये छोटा सा इंट्रो है, ये मुर्गी पालन वाले खास लोगों के लिए। अब यहीं पर मैं छोटी सी बात बता दूं, बहुत सारे लोग जो है मुर्गी पालन में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपया तक की लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास भी ऐसे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बात आपको सिर्फ समझाने की है, मैं वीडियो को बढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। व्यवसाय करना चाहते हैं और व्यवसाय जो है मुर्गियां पालना चाहते हैं, कुछ अंडों के लिए, कुछ मांस के लिए, और वो भी मिनिमम कोई 500, कोई 1,000, कोई 2,000, ठीक है। जिसमें अगर 500 भी मुर्गियां आप पालते हो तो मिनिमम आपका 50,000 से 70,000 रुपये सिर्फ मांस के लिए अगर पालते हो तो लगेगा, और यदि अंडों के लिए पालते हो 500 मुर्गियां तो 1,00,000 के आसपास आपको 500 मुर्गियों में अंडे के लिए पालोगे तो लगेगा। लेकिन उनसे हम कहते हैं कि भाई साहब, ये छोटा नॉलेज नहीं है मुर्गी पालन का जो हम आपको बता दें, आप सिर्फ 110 रुपये खर्चा कर लीजिए, ठीक है, और हमारी जो PDF बुक है वो खरीद कर पढ़ लीजिए। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो खरीदते नहीं हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उनके लिए 110 रुपये जो है बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और ये फालतू के दे रहे हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं खरीदते। तो ऐसे मतलब उनको हम ऐसे भी मतलब जो हमसे पूछते हैं कि भाई कितना क्या लागत लगेगी, कितनी जगह चाहिए, मतलब जो भी उनके सवाल होते हैं, कितने दिन में अंडे देंगी और मुर्गियां जो हम तैयार करेंगे उनको बेचेंगे कैसे, आप हमारी बिकवा दोगे, तो काफ़ी नॉलेज उनका हम ऐसे दे देते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक की, कभी कभी 20 से 30 मिनट तक की भी हम बात करते हैं उनसे। और फिर उसके बाद में लास्ट में ये कहते हैं भैया आपके सवाल तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो आप 110 रुपये खर्च करके किताब खरीद लीजिए, बट वो किताब जो है नहीं खरीदते हैं। तो इतना लालच उनके अंदर होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि चलो हम अपनी बुक बेचने के लिए नहीं कह रहे कि आप हमारी बुक खरीदो, आपकी इच्छा है तो खरीदो, मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ, ना ही किसी को कॉल रिटर्न करता हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारी किताब खरीदो, बस ऑटोमेटिक कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज जाते हैं, यदि आप PDF खरीदना चाहते हो तो हम उस पर कुछ और मैसेज डाल देते हैं जिसमें आपको किताब खरीदने की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इतना हम करते हैं।
ठीक है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करते कि आप हमारी किताब खरीदो या आप हमको 110 रुपये या 50 रुपये 51 रुपये 52 रुपये आप हमको दो। वो अपनी इच्छा से आपको अगर व्यवसाय करना है तो आपको खरीद के पढ़ना होगा, ठीक है। तो लेकिन वो लोग नहीं लेते। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि लोग जो हैं नॉलेज नहीं चाहते, वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, और बिना नॉलेज के पैसे जो है नहीं कमाए जा सकते। ये आपको भी पता होगा और हमें भी पता है। ये तो उन फार्मर्स की बात रही जो कि मतलब व्यवसाय तो करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, पहले भी वीडियो में मैं कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कैसे व्यवसाय करना है। तो आप हमारे चैनल पर जा कर के और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारे वीडियो देख लीजिए तो आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो अभी जो हम बात करते हैं कि सबसे पहले इनका फार्म बंद क्यों हुआ, ठीक है। तो इनका जो फार्म बंद होने का सबसे पहला कारण था इनके फार्म का जो है मैनेजमेंट। आपने देखा कि मुर्गियां तो बाहर घूम रही हैं और अंदर भी जो है मतलब मुर्गियां हैं। तो आप इस क्लिप में भी देख सकते हो कि जो मुर्गियां हैं वो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बताया कि रात में फार्म पर कोई भी नहीं रुकता है। तो इससे क्या लगता है कि रात में जैसे कोई जानवर आया और मुर्गियाँ डर गई, तो मुर्गियाँ डर गई तो अंडे देना जो है वो कम कर दिए या बिल्कुल ही बंद कर दिए, बहुत कम अंडे मिल रहे हैं। तो देखिए ऐसा भी नहीं होता है कि ये देसी मुर्गियां हैं, अगर डर भी जाती हैं थोड़ा बहुत या ज़्यादा भी, तो भी ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 मुर्गियां पड़ी हैं तो 500 अंडे भी ना मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ बहुत अंडे डाउन हो सकते हैं बट इतना नहीं कि बिल्कुल नहीं। दूसरा रीज़न था इनका फीड का। भाई जो अंडा बनता है मुर्गी के पेट में वो होता है फीड का ही सारा सिस्टम। अगर उनको सही आहार यानी कि भोजन दाना फीड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये इसको सही मात्रा में और सही नहीं मिलेगा तो जो है अंडे ये बिल्कुल ही नहीं देंगी। एक मुर्गी को, ठीक है, अगर आप फार्म के अंदर रखते हो और बाहर जो छोड़ने की जगह नहीं है या बाहर कुछ भी चुनने के लिए खाने पीने के लिए नहीं है, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मुर्गियां बाहर टहल रही हैं, लेकिन इतनी सारी मुर्गियां अगर इतनी जगह में टहल रही हैं तो कितना वो उसके वहां पर दाना इनको खाने को मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ज़्यादा जगह में आप 150 मुर्गियां छोड़ दीजिए, उनको पेट भर वो खा लेंगी, लेकिन कम जगह में आप ज़्यादा मुर्गियाँ खुले में छोड़ दोगे तो उनका कोई पेट नहीं भरेगा। तो एक मुर्गी को मिनिमम 100 से 150 ग्राम दाना अच्छा फीड उनको चाहिए। अगर बाहर चुनने की जगह है तो आपका 50 ग्राम से 80 ग्राम तक दाना इनको देना है खाने के लिए, और बाहर चुनने की जगह है तो वो 50 ग्राम से 80 ग्राम तक की वो बाहर चुन खा लेंगी। इससे जो है उनका पेट भी भर जाएगा और जो अंडा बनने का प्रोसेस है दाने से वो उनका पूरा हो जाएगा। अदरवाइज जब आप ज़्यादा मुर्गियाँ पालते हो तो ये मान के चलिए आपको 100 से 150 ग्राम एक मुर्गी को दाना देना ही देना है, और जब तक आप ये फीड सही से आप नहीं करा पाओगे तब तक की मुर्गी अंडे कभी भी नहीं देंगी। दूसरी चीज़, दाना देने तो ठीक है कि आपने दिया, लेकिन इसमें आपको उल्टा सीध दाना भी नहीं देना है। आपको ये लग रहा है कि मतलब हम कुछ भी इनको खिला देंगे, गेहूँ खिला दिया, मक्का खिला दिया, जो सस्ता मार्केट में मिल रहा है दाना लिया है वो खिला दिया, तो ये भी नहीं चलेगा। आपको कुछ भी नहीं, इनके अंडे के हिसाब से जो अंडे बनाने वाला दाना होता है, मतलब जो मुर्गी के पेट में अंडे को सही से डेवलप कर सके वो फीड, ठीक है, वो आपको देना है, जिसे नॉर्मली हम लोग लेयर फीड कह देते हैं, ठीक है। तो लेयर फीड ही मान चलिए कि लेयर फीड अगर मार्केट से आप ला रहे हो तो आपको लेयर फीड उनको भरपूर पूरा पेट भर मतलब आपको उनको देना है। ऐसा नहीं कि आपने 1000 मुर्गियाँ डाली, 1000 मुर्गियों पे मिनिमम आपका मान चलिए 1 क्विंटल यानी कि 100 केजी दाना लगना ही लगना है, ठीक है। आपने एक बोरी 50 केजी की डाल दिया, सोचा सबने खा लेंगे, तो जब उनका पेट नहीं भर रहा है, उनको सही से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, सही से उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, सही से उनको जो है कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो जो सारे पोषक तत्व हैं उनके शरीर को मिल नहीं रहे हैं, तो अंडा कहाँ से बनेगा। आप चाहते हो कि एक मुर्गी जो हमें दे यानी 50 ग्राम के 40 से 50 ग्राम के आसपास एक अंडा दे, हम उसको दाना जो है वो 50 ग्राम ही दे, तो ये संभव नहीं है। 100 ग्राम 150 ग्राम खा करके आपकी मुर्गी जो है 50 ग्राम का एक अंडा देती है, इस बात का ध्यान रखिए। और बाकी जो फीड होता है वो शरीर की एनर्जी में खर्च हो जाता है और बाकी अन्य क्रियाओं में कुछ बीट के द्वारा निकल जाता है।
तो ये चीज़ होती है। तो दाने का भी जो है उनको हमने बताया कि भाई आपका जो दाना है आप उसको प्रॉपर फीडिंग नहीं करा पा रहे हो, इसकी वजह से आपको सही से अंडा जो है मुर्गियाँ आपकी नहीं दे रही हैं, और बाकी जो है और भी कई समस्याएँ थी इनके। तो इनके जो फार्म है उसका जो मैनेजमेंट था ठीक है वो भी मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। इतना बड़ा फार्म ठीक है, उसमें अगर सही से साफ़ सफाई नहीं होगी, गंदगी ज़्यादा रहेगी, तो इससे जो है जैसे मान लो लगातार मुर्गियां बीट करती रहती हैं, और बीट करते रहने की वजह से सफाई नहीं होती तो उसमें अमोनिया गैस बनती है जो कि बर्ड को नुकसान करती है। तो फार्म की गंदगी की वजह से भी बहुत सारी मुर्गियां हैं जो अंडे नहीं देती। चीज़ तो उतनी मुर्गियां आप रखें जितना आपके पास स्पेस हो। अगर अंडे के लिए मुर्गियाँ पाल रहे हो तो मिनिमम आपको 2 स्क्वायर फीट में एक मुर्गी को रखना है ठीक है। और दूसरी चीज़ जो फार्म की है वो साफ़ सफाई, वो नियमित साफ़ सफाई आपकी होनी चाहिए। और एक चीज़ और इनके हमने कमी देखी, हमने कहा कि जो मुर्गियां हैं इधर उधर अंडे देती हैं, तो अंडे देने की व्यवस्था ही नहीं थी पूरे फार्म में। देखोगे तो आप इनके जो है इस क्लिप में आप देखिए ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे अंदर फार्म के तो वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं कि मुर्गी अंडे का, इधर उधर अंडे जहाँ मर्जी आ रही थी उधर उधर बैठ के दे रही थी। तो मुर्गियों के हिसाब से जितनी मुर्गी उनको अंडे देने की व्यवस्था होनी चाहिए, और ऐसी जगह पे होनी चाहिए मांची से किनारे हो, और वहाँ पर भूसी वगैरह पड़ी होनी चाहिए ताकि जो अंडा है ठीक है अंडा जो मुर्गी दे रही है वो गंदा ना हो, और वो उचित जगह पर बैठ करके अंडे दे। तो इनकी मुर्गियाँ भी इधर उधर अंडे दे रही थी, और बहुत सारे अंडे इनके ऐसे थे मैं ले करके आया कि बहुत ही गंदे थे। अब चूँकि जब सही जगह पर मुर्गी अंडा नहीं दे रही है और ऐसी जगह पर अंडा दे रही है जहाँ मिट्टी पड़ी है बीट पड़ी है, तो अंडे में बीट और मिट्टी सब चिपक जाएगी जिससे अंडा भी गंदा हो रहा था। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, जब मुर्गियाँ सही जगह पर उनको बैठकर अंडे देने की व्यवस्था नहीं होती है तो मुर्गियों को भी चिड़चिड़ाहट लगती है, जिसकी वजह से भी मुर्गियों में अंडे कम हो जाते हैं। तो इतनी सारी कमियाँ मैंने इस फार्म में देखी ठीक है। अभी एक फार्म और है जो कि इसी तरह का फार्म है ठीक है, और लगभग उन्होंने भी 500 या 1000 मुर्गियाँ पाली थी, और जो है लगभग 500 मुर्गियां उनके पास थी, लेकिन शुरुआत में अंडे देना शुरू किए और उसके बाद अंडे देना बिल्कुल ही कम कर दिए और बंद कर दिए। उस फार्म के बारे में बताएंगे क्या उन्होंने खिला दिया जिसकी वजह से वो मुर्गियां भी अंडे देना बंद कर दिए, और आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये तो रही इनके फार्म की कि इनकी मुर्गियाँ जो है अंडे कम क्यों दे रही थी। दूसरी चीज़ आती है, अंडे तो हो रहे थे, इनके पास काफ़ी अंडे स्टॉक में लगे हुए थे, लेकिन अंडा सेल करने की बात आती है तो अंडा सेल का भी सिस्टम इनके पास उतना अच्छा नहीं था। मोस्टली क्या करते हैं बहुत सारे लोग, मुर्गी तो पाल लेते हैं अंडे के लिए कि हाँ देसी मुर्गी का अंडा है खूब बिकेगा ठीक है, ठंडियों में खूब बिकेगा, और या ख़रीदने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जब मुर्गी अंडा देने लगती है तब वो लोग अंडे को बेचने का प्रयास करते हैं, और पहले मार्केट नहीं बनाएंगे, ना ही पहले प्रयास करते हैं कि जानकारी लेना चाहते हैं कि कहाँ पर ये जो अंडा हमारे पास होगा चाहे वो 100 हो 200 हो 500 हो 1000 हो वो कहाँ पर बिकेगा। तो इसकी जानकारी जो है बहुत से फार्मर के पास नहीं होती है। तो सबसे मेन चीज़ ये भी आ जाती है, जब तक मान चलिए आपके पास मुर्गियाँ तो हैं अंडे भी हो रहे हैं लेकिन अंडा सेल नहीं हो रहा टाइम से, तो अंडे जो है आपके वो ख़राब होंगे और आपका जो है यहाँ पर भी नुकसान होगा। तो जो अंडे सेल का सिस्टम है वो कैसे होना चाहिए और क्या था इनका सिस्टम। जब तक आपके पास अंडे नहीं हो रहे होंगे तब तक लोग कहेंगे कि भैया आप मुर्गी पालो हमसे बच्चे लो, सारे मुर्गियां हम ले लेंगे सारे अंडे हम ले लेंगे। लेकिन जब आपके पास अंडा होने लगता है ठीक है तब उनसे अंडा लेने को बोलोगे तो कहेंगे भैया अभी जो है आप ऐसा करो इतने रुपये में लगा लूँ ठीक है। अब एक तो समस्या पैसे की आ गई, भाई अंडा आपके पास कम हो रहा है और मुर्गियां ज़्यादा हैं दाना ज़्यादा खा रही हैं, तो समस्या ये सोचो कि यार क्या करें इतने रुपए में अंडे लेने को बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ समस्या क्या आएगी इसमें कि अंडा तो वो लेने को तैयार है लेकिन कह रहे भाई हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, आप हमको यहाँ पर दे जाओ। अब 100, 150, 200, 300 किलोमीटर पर आप अंडा देने जाओगे ठीक है, आप उनको अंडा दे रहे या फिर वो आपसे अंडा लेने भी आ रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कई शर्तें होती हैं। जैसे हम मुर्गियां पालते हैं तो इसमें हम नर और मादा यानी कि मेल फीमेल दोनों मुर्गियां रखते हैं, तो इसमें क्या होता है अगर हम मेल फीमेल दोनों ही रखे हुए हैं, मुर्गा मुर्गी दोनों ही रखे हुए हैं, तो जो हमारा अंडा है वो फर्टाइल होगा और फर्टाइल अंडे से बच्चा निकलता है,
और अगर आप फर्टाइल अंडे को ज़्यादा समय तक रखे रहोगे, ठीक है, अगर गर्मी का सीज़न है या नॉर्मल गर्मी का सीज़न है, टेम्परेचर है 20, 25, 30 तक की रहता है, तो जो अंडा है उसमें चूजा बनने लगता है, यानी कि बच्चा जो है वो बनने लगता है, और जब वो बच्चा उसमें बनने लगेगा तो उस अंडे को ख़राब माना जा सकता है। अब या तो फिर उस अंडे को वहीं से उठा करके आप मशीन में लगा दें तो उसमें से बच्चा निकल आएगा। अगर वो अंडा कहीं पर बिकने के लिए जा रहा है, खाने के लिए जा रहा है, तो अगर उसको अंडे को फोड़ा जाएगा तो उसके अंदर से ब्लड निकलेगा, क्योंकि बच्चा बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। या तो फिर वो रास्ते में ले जाते समय अंडा हिलेगा और वो अंडा ख़राब हो जाएगा, फोड़ा जाएगा तो उसमें से अंडे से बदबू आएगी, या बच्चा निकला हुआ मिलेगा, या अंडा पूरा फैल जाएगा। अगर हैचरी में उस अंडे को लगाएंगे तो वो अंडा जो है हैचरी में लगाएंगे तो वो अंडा जो है ख़राब हो जाएगा लगाने के दूसरे तीसरे दिन बाद में, क्योंकि उसका बच्चा है जो पढ़ने पर यहाँ पर बना, लेकिन यहाँ से दूर चला जब गया तो हिला तो रास्ते में वो बच्चा मर गया, मशीन में लगाया तो अंडा ख़राब हो गया। तो ये एक समस्या आती है, ठीक है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक समस्या इन्होंने और क्रिएट की थी, इनके पास मैं अंडे लेने गया तो ऐसा था, दूसरे जो लोग थे वो जो है 7 रुपये में अंडे ले जा रहे थे, लेकिन मेरी थोड़ी क्वांटिटी कम थी और वो दूसरे के माध्यम से गया था, तो उन्होंने मुझे 8 रुपये का अंडा दिया। और चलो मैंने कहा चलो ठीक है, 8 रुपये में मिल रहा है तो मैं 8 रुपये में लेकर के आया, और इनसे हमने थोड़ा सा मतलब बातचीत की कि अगर मेरे पास पैसे ना हो तो थोड़ा आप उधार अंडे दे सकते हो, तो इन्होंने उधार अंडे देने से मना कर दिया। तो मेरे एक साथी थे वो भी हैचरी चलाते थे, तो मैंने उन कहा कि उनको क्या आप दे सकते हो उधार अंडे या फिर कैसे भी, तो कैश अंडा तो वो देने को तैयार थे लेकिन उधार देने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर हम लोगों को, जो हम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो उनको उधार देने के लिए वो तैयार नहीं थे। बाहर का कहीं पर भी होगा तो हो सकता है वो कैश दे रहे हो या उधार दे रहे हो, वहाँ पर इनका चल जा रहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है, जो छोटी हैचरी के लोग हैं उनसे भी संपर्क करिए, मतलब जो आपसे 100, 200 या 500 अंडे, थोड़े थोड़े अंडे भी लेना चाहते हैं तो उनसे भी पकड़ के रखिए। और दूसरी चीज़, जो आपसे ज़्यादा अंडे लेना चाह रहे हैं तो उनसे भी, उनको भी मतलब आपको पकड़ के रखिए। तो सभी लोगों से आपको तालमेल मिलाकर चलना है, ताकि जो आपका अंडा है टाइम टू टाइम 2 से 3 दिन में या पर डे आपका सारा का सारा अंडा जिसको देना है या मार्केट में देना है वो चला जाए। तो इसी वजह से जो है इन भाई साहब का जो फार्म था, इन समस्याओं के रहते इन्होंने ये फार्म को बंद कर दिया। जितनी भी मुर्गियां थी, जिस भाव में बिकी हों, सारी की सारी मुर्गियां इन्होंने उठवा दी। और एट लास्ट जब ये शुरू से लास्ट तक इन्होंने पाला होगा और इतना पैसा लगाया होगा, उतना पैसा इन्होंने कमाया तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत लॉस ज़रूर हुआ होगा। तो ये सारे रीज़न होते हैं। अगर आपको अंडे का व्यवसाय करना है तो आपको अच्छी तरह से इन बातों का ध्यान रखना है, और कैसे क्या करना है, आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, हमने जो कमियां थी वो बता दी, उन्हीं को आपको सुधार लेना है। तो जो भी ये कमियां हमने बताई हैं, उन कमियों को आपको सुधार करके इस व्यवसाय को करना है। यदि इन कमियों को आप दूर कर लेते हो और बताई गई बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होगे, तो मेरे उम्मीद से आप चाहे 100 मुर्गियां अंडे के लिए पालें, 500 पालें या 1000 पालें, तो आप जो है इस व्यवसाय में सफल हो सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी मेरे हिसाब से। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।